अलमारी मत खोलना। तो गाइज आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ काइट बैग का रिव्यू। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं बैग कितने का लाया हूँ। ये बैग मुझे दुकान वाले ने 290 का बताया था, लेकिन मैं उससे बार्गेनिंग करके मैं ये बैग 260 का ले आया हूँ। तो ये बैग बढ़िया है और आप इसमें पतंगे रख सकते हैं और आपकी पतंगे एकदम सेफ रहेंगी। सही, तो सबसे पहले बता देता हूँ बैग की खासियत। तो देखिए आपके बैग के पीछे दो आपके ये फीते मिल जाते हैं कि अगर आप बाहर कहीं पर जाते हैं ग्राउंड में पेज लड़ाने तो आप बैग को टांग सकते हैं। और ये फीते देखिए छोटे बड़े भी हो जाते हैं, आप अपने कंधों के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सही, आप देख लीजिए एकदम बढ़िया। फिर ये देखिए आगे के से, ये देखिए आपको एक चेन दिख रही होगी, तो ये चेन है। और ये देखिए चेन दिखा देता हूँ, ये पूरी खुलती है और इसमें आप कोई भी अपना सामान जैसे कि टेप हो गया या कुछ और हो गया, खाने पीने का सामान आप ग्राउंड में जा रहे हैं या पानी की बोतलें इसमें रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बढ़िया चेन है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग टेप भी रखते हैं और पानी की बोतल भी रख लेते हैं कोई, तो आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हैं इसमें। ये फिर मैं दिखा देता हूँ और क्या है। और ये देखिए इसमें ये फीते हैं दो, आप ये ऐसे फीते इसमें लगा सकते हैं। एक फीता ये रहा और एक फीता इधर है, ये भी आप लगा सकते हैं। इससे भी आपकी मतलब थोड़ी सही रहेगी चेन की, आपकी चेन कोई खोल नहीं पाएगा। और फिर तो ये हो गए बढ़िया ये भी। और इसे अभी खोल लेते हैं तो क्या मैं दिखाता हूँ इसकी मेन चेन। ये एकदम बढ़िया दो चेनें मिलती हैं आपको कि अगर एक आपकी चेन ख़राब हो जाए तो आप दूसरे का यूज़ कर सकते हैं। और ये चेन भी अच्छी खासी मोटी है, बढ़िया क्वालिटी की चेन लगाई गई है इसमें। और चेन मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, बढ़िया है, मतलब ऐसे कोई ख़राब होने की दिक्कत नहीं है। और जो मेरा पुराना बैग होता है तो 3 साल हो गए और उसकी चेन तो अभी तक ख़राब भी नहीं हुई है। और ये देखिए ये भी चेन बढ़िया ही है। और ये पूरा मैं खोल के बता देता हूँ कि अंदर से आपको व्यू दिखाता हूँ बैग का कैसा है। तो ये देखिए मैंने खोल लिया और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अब देखिए जैसे सबसे पहले बैग खुला, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मोटा सा ये गत्ता मिलेगा और ये नीचे वाली जो सीट है एकदम ये प्लास्टिक की है और इससे अगर आप बारिश वाले साथी तो आपकी पतंगे नहीं भीगेंगी, आपकी पतंगे सेफ रहेंगी। फिर आपको ये मोटा सा यहाँ पे किनारे पे पूरा एक स्क्वायर शेप में ये गत्ता मिल जाता है, मतलब प्लास्टिक का ये भी, और बहुत हार्ड है। इससे मतलब आपको कोई अगर आपका बैग वैग दबाता तो आपकी पतंगे एकदम सेफ रहेंगी। उसके बाद आपको इसके अंदर भी एक लोहे की पतली सी ये डंडी मिल जाती है और इससे ये भी बहुत अच्छा काम करती है, इससे भी आपकी पतंगे नहीं पिचकेंगी और बढ़िया यह है एकदम सेफ रहेंगी आपके अंदर इसकी पतंगे। तो ये देखिए एकदम बढ़िया है, और मैं फिर इसे बंद करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि अगर आप बाहर कहीं पर ग्राउंड में गेम लगाने जाते हैं तो आप इसमें आराम से अपनी पतंगे रखिए और उसके बाद इसकी चेन लगाइएगा। और जो आपके ये दो फीते दे रखे हैं अब आपके बैग में दिए हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं, तो आप इन्हें भी लगा लीजिएगा, ये एक आपके लिए और सेफ्टी हो जाएगी। सही है, तो बस यही था। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप यार वीडियो को यार शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, ऐसी बहुत ही बढ़िया बढ़िया आगे वीडियो देखने को मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना इस बैग की वीडियो को। सही, और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर इस बैग को ये करेंगे तो अंदर जो आप लोहे की वो देख रहे होंगे स्क्वायर शेप में, रॉड जो आप मैंने आपको दिखाई थी वो देखिए यहाँ से जुड़ी है लोहे से, तो आपका बैग एकदम सेफ रहेगा और वो हिलेगी भी नहीं और आराम से पतंगे इसमें रख सकते हैं, कोई फटने का इसमें पतंगे सवाल नहीं है, आप सालों साल तक इसमें रख सकते हैं पतंगे। एक बात और बताना कि मैंने काइट की शॉप की पूरी वीडियो बना ली है, बस मुझे अपलोड करना, लेकिन मैं अपलोड तभी करूँगा जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करेंगे और मेरे चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल का नाम है काइट लवर। और ये देखिए, और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो पहले की वीडियो आपने देखी होंगी तो मैंने उसमें भी बताया था कि आप मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है मिस्टीरियस थिंग, उसमें भी मैं बहुत बड़े बड़े वीडियो डालता हूँ, तो आप उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और इस वीडियो को तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।